वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। माय नेम इज तानिया दाश। मैं आप लोगों को यहाँ पर एनटीए यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन सब्जेक्ट का हर एक यूनिट डिटेल्स पर पढ़ाती हूँ। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस को पार्ट बाय पार्ट हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारी थ्योरी है। आज हम लोग जो फर्स्ट अभी डिस्कस करेंगे वो है यूनिफैक्टर थ्योरी। बहुत फर्स्ट थ्योरी था, ठीक है, इंटेलिजेंस के ऊपर। तो यूनिफैक्टर थ्योरी को हम बहुत सारी नाम से जानते हैं, तो इसका अनदर नेम पहले जानेंगे कि यूनिफैक्टर थ्योरी का अनदर नेम है मोनार्किक थ्योरी और ट्रेडिशनल थ्योरी और वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली इस थ्योरी का नेम चार है। ठीक है, कोई यूनिफैक्टर भी कहते हैं, कोई मोनार्की, कोई वन फैक्टर, कोई तो ट्रेडिशनल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी नेम है इसका, आपको हर एक नेम को याद रखना होगा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसका डेवलपर कौन है। इसका डेवलपर है अल्फर्ड बिनेट। ठीक है, तो इसका डेवलपर कौन है? अल्फर्ड बिनेट। अल्फर्ड बिनेट को हम लोग फादर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। उसके अलावा अल्फर्ड बिनेट मेंटल एज के ऊपर भी कंसेप्ट दिए थे। तो अल्फर्ड बिनेट से तीन क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूनिफैक्टर थ्योरी का डेवलपर कौन है? अल्फर्ड बिनेट। सेकेंड क्वेश्चन की फादर ऑफ इंटेलिजेंस किसको कहा जाता है? अल्फर्ड बिनेट को कहा जाता है। मेंटल एज का कंसेप्ट किसने दिया था? अल्फर्ड बिनेट को दिया था। ठीक है, अभी चलिए हम लोग यूनिफैक्टर थ्योरी के ऊपर थोड़ा सा कंसेप्ट को समझेंगे कि यूनिफैक्टर थ्योरी क्या होती है। अच्छा, अब देखो यूनिफैक्टर थ्योरी का और एक नेम क्या है? वन फैक्टर थ्योरी। दैट मीन्स ये थ्योरी सिर्फ एक फैक्टर के ऊपर ही फोकस किया है। जैसे कि हम लोग टू फैक्टर थ्योरी की नेम भी जानते हैं, राइट? वहां पर क्या होती है, एक जी फैक्टर होती है जिसको जनरल फैक्टर थ्योरी कहते हैं, और एक एस फैक्टर दैट मीन स्पेशल फैक्टर थ्योरी कहते हैं, राइट? तो जी का मतलब होती है कि जनरल जितना भी एक्टिविटी है वो जी फैक्टर से होगा, और एस फैक्टर का मतलब होती है जो स्पेशल एक्टिविटी होती है, जैसे कि डांसिंग, एकेडमिक, जो भी इंटेलिजेंस है, ड्राइंग, जो आपकी स्पेशल टैलेंट होती है वो स्पेशली आपकी स्पेशल फैक्टर से रिलेटेड होती है, राइट? ये टू फैक्टर थ्योरी का कंसेप्ट है। मगर यहाँ पर जो हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वन फैक्टर। दैट मीन्स यहाँ पर एक ही फैक्टर होगा जिसके ऊपर बेस करके हम लोग सारी एक्टिविटी करेंगे। ठीक है, हमारी ब्रेन एक है, अब उसके ऊपर बेस करके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी करते हुए। तो ब्रेन का कोई भी एक, दो या तीन कोई भी या फिर मल्टीपल कोई भी फैक्टर नहीं होता है। ये किसने कहा था? अल्फर्ड बिनेट ने कहा था। ठीक है, तो अल्फर्ड बिनेट के अनुसार हमारी वन फैक्टर थ्योरी होगा जिसके थ्रू हम लोग सारी एक्टिविटी करेंगे। जैसे कि किस चीज के ऊपर फोकस किया था, देखिए, गुड डिसीशन मेकिंग। दैट मीन्स आप कोई भी डिसीशन लेंगे, ठीक है, चाहे वो आपकी एकेडमिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, तो डिसीशन लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, राइट? तो इंटेलिजेंस के लिए तो ये कहाँ से आएगा? वन फैक्टर। दैट मीन्स एक ही फैक्टर होती है, ब्रेन से आती है, जो कि डिसीशन लेने से हमें, मतलब जब भी हम लोग डिसीशन लेंगे उसके थ्रू हमारी इंटेलिजेंस हमें हेल्प करेगा, राइट? नेक्स्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो हम एक होती है कंक्रीट और दूसरा होती है एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के ऊपर भी उन्होंने फोकस बोला है कि अल्फर्ड बिनेट ने कि इंटेलिजेंस के थ्रू ही हम लोग एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुड इन स्टडीज, गेम्स एंड ड्रॉल्स। देखिए, थिंकिंग हो गया, डिसीशन हो गया, आप हमारे डेली लाइफ पर जितना भी एक्टिविटी होती है, चाहे वो ड्राइंग हो, डांसिंग हो, प्लेइंग हो, हर एक काम हम लोग करेंगे वो भी इंटेलिजेंस के थ्रू करेंगे, और उसके लिए दो तीन फैक्टर की जरूरत नहीं है, एक फैक्टर से ही काम चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू अल्फर्ड बिनेट। नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्रिहेंशन। जब भी हम लोग कुछ कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करते हैं तब भी इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, वो भी वन फैक्टर से ही आएगा। नेक्स्ट है सेल्फ क्रिटिकल थिंकर। दैट मीन्स आप जब सोचोगे रीजन के थ्रू, रीजनिंग के थ्रू,
लॉजिक के थ्रू, राइट। तो ये जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, जहाँ पर आप लॉजिक, साइंस, रीजन ये सब कुछ लेके आ रहे हो, आप उन सभी के बेसिस पर आप थिंक कर रहे हो, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब जज कर रहे हो किसी को, तब भी वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू होगा, और उसी क्रिटिकल थिंकिंग से कौन हेल्प करेगा, इंटेलिजेंस हेल्प करेगा, और ये इंटेलिजेंस भी वन फैक्टर के थ्रू होगा, दो तीन फैक्टर की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, देखिए, क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट, दैट मींस आप जब कुछ चीज सोचेंगे तो आपको एक सही दिशा पर वो लेके जाएगा, राइट। तो यहाँ पर जो क्लियर डायरेक्शन होगा वो भी आपकी आपकी जो इंटेलिजेंस है वो आपको मदद करेगा, और वो भी इंटेलिजेंस एक ही फैक्टर से आती है, उसके लिए आपको दो तीन फैक्टर की जरूरत नहीं है। ये है यूनिफैक्टर थ्योरी, ठीक है। तो यूनिफैक्टर थ्योरी का जो डेवलपर था वो है अल्बर्ट विनेट। इसका जो कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के लिए यूनिफैक्टर थ्योरी हेल्प करता है, दैट मीन्स हमारी जो इंटेलिजेंस है वो एक ही है, वो जनरल फैक्टर है, ठीक है, वो जनरल फैक्टर है, एक ही फैक्टर है जो डिसीजन मेकिंग पर भी हेल्प करेगा, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पर ही हेल्प करेगा, जो हर एक एक्टिविटी पर हेल्प करेगा, जो हमारी कॉम्प्रिहेंशन के लिए हेल्प होगा, सेल्फ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लियर डायरेक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस पर भी ये एक फैक्टर ही हमें मदद करेगा, जो कि हमारी इंटेलिजेंस यही से ही आती है, ठीक है। उसके अलावा जो विलियम स्टर्न है साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने भी अल्फर्ड विनेट की जो यूनिफैक्टर थ्योरी का कंसेप्ट है उसको एग्री करते हुए कहा कि बिल्कुल सही, कि हमारे पास एक जनरल कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के थ्रू हम लोग कुछ चीज़ों के ऊपर कंशियस रहते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर थिंक कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, हर एक एक्टिविटी कर सकते हैं हमारी उस जनरल कैपेसिटी से, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है यूनिफैक्टर थ्योरी का कि हमारे अंदर एक जनरल कैपेसिटी रहती है, ठीक है, क्या होगा, एक जनरल कैपेसिटी रहेगा, उस जनरल कैपेसिटी पर ही हमारी इंटेलिजेंस होगा, क्या होगा, इंटेलिजेंस होगा। अब इस इंटेलिजेंस के थ्रू हर एक एक्टिविटी हो करेंगे, जैसे कि हमारी कोई डिसीजन लेना हो लाइफ पर, या फिर कोई एकेडमिक जो सक्सेस मिलती है उस एकेडमिक सक्सेस के लिए भी एक इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, राइट। वो भी कहाँ से आएगा, इस जनरल कैपेसिटी से आएगा, यही बताया है हमारी अल्बर्ट विनेट ने। तो हम जब भी डेली लाइफ पर जो भी एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो हमारी कोई टैलेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी कोई लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारी एकेडमिक से रिलेटेड हो, हर एक जगह पर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, टैलेंट के ऊपर बेस करके कुछ एक्टिविटी, हर एक चीज के लिए इंटेलिजेंस जरूरी होती है, और वो आती है जनरल कैपेसिटी से। तो ये एक फैक्टर हुआ जनरल कैपेसिटी, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है वन फैक्टर थ्योरी, या फिर मोनार्किक थ्योरी, या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी, नहीं तो और एक नाम से भी जानते हैं, वो क्या है, ट्रेडिशनल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो लर्नर्स, यही था हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। इंटेलिजेंस की हर एक थ्योरी हम लोग अपलोड करेंगे एक एक करके। अगर वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा, आप लोगों को इससे इसके थ्रू मदद मिला, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू लर्नर्स है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनटीए नेट की सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो मैं अपलोड करती हूँ यहाँ पर, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स का कोई पार्ट हो, चाहे वो थियोरिटिकल कोई पार्ट हो, हर एक पार्ट मैं डिटेल्स में समझाती हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, और हाँ, ऑलवेज शेयर नॉलेज एंड बी हैप्पी। बाय बाय।